सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, होप आप सब बढ़िया होगे और अपने लाइफ में कुछ बढ़िया ही कर रहे होगे। तो गाइस आज का जो व्लॉग है वो है मथुरा वृंदावन के बहुत ही खास मंदिर के बारे में, जिसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर। इस वीडियो में हम आपको द्वारकाधीश मंदिर के बारे में सारी जानकारी देंगे, जैसे कि ये कहाँ पे है और इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको विश्राम घाट के बारे में बताते हुए वहाँ के दर्शन भी करवाएंगे। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखकर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो और ये मंदिर कैसा लगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस विश्राम घाट जाने से पहले आपको एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है, जिनके दर्शन करते हुए आप विश्राम घाट की तरफ जाते हैं। विश्राम घाट जाते हुए आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन होंगे, जिनमें सबसे पहले आपको सत्यनारायण भगवान जी के दर्शन होंगे, उसके बाद आपको गोवर्धन भगवान जी के दर्शन होंगे, उसके बाद आगे आने पर आपको शिव जी के दर्शन होंगे और उनके साथ में ही आपको अन्नपूर्णा माता के दर्शन होंगे, उसके बाद आगे आने पर आपको श्री कृष्ण जी और बलराम जी के दर्शन होंगे और वहां से आगे आने पर आपको यमुना माता के दर्शन होंगे। वहां से आगे आने पर आपको लास्ट में देवकी माता और वासुदेव जी के दर्शन होते हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण जी और बलराम जी को गोदी में ले रखा है और बीच में यमुना माता जी है। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तो गाइस विश्राम घाट के इन मंदिरों के दर्शन करने के बाद आप यहां पे बोटिंग करने आ सकते हैं, जिसकी फीस 100 रुपये पर पर्सन है। बोटिंग करते हुए आपको बहुत सुकून मिलता है और वहां से वापस आते हुए आपको कंस किला नजर आता है, जिसमें कंस अपने परिवार के साथ रहता था और ये किला 5500 BC में बनाया गया था। उसके बाद वहां से वापस आते हुए आपको एक ब्रिज नजर आता है, जो कि मथुरा रेलवे के लिए बनाया गया है। यमुना नदी के ऊपर बनाया गया यह ब्रिज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बोटिंग करने के बाद आप द्वारकाधीश मंदिर में शांति से दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर मथुरा में स्थित है। अगर आप अपनी किसी गाड़ी या बाइक से आ रहे हैं तो आपको बाहर वो पार्किंग में लगानी होगी। गाड़ी की फीस 100 रुपये और बाइक की फीस 50 रुपये है। ये फीस 3 घंटे के लिए है। वहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं या फिर आप रिक्शा करके भी आ सकते हैं, जो कि 30 रुपये से 50 रुपये तक लेता है। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग सुबह 6:30 से 10:30 और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक का है। इस मंदिर में हर साल, हर महीने और हर दिन हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर की एंट्री बिल्कुल फ्री है। ये मंदिर मथुरा का बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि पूरे देश में मशहूर है। ये अपने आर्किटेक्चर और अपनी पेंटिंग्स की वजह से भी बहुत मशहूर है। सेठ कोकुलदास पारिख ने यह मंदिर 1814 में बनवाया था, जो कि मथुरा के पाठक गली में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि सेठ गोकुलदास पारिख को संतान नहीं हो रही थी, तब उन्होंने द्वारकाधीश भगवान जी से मन्नत मांगी थी और वह मन्नत पूरी होने के बाद उन्होंने यह मंदिर बनवाया था। जेंट्स वगैरह लोग यहीं तक जा सकते हैं और लेडीज़ के लिए वो जो लाइन है वो अंदर से वहाँ तक आगे तक जाती है। तो चलिए अब दर्शन करते हैं थोड़ा आगे चल के और फिर चलेंगे यहाँ से बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है।
तो गाइज ये था मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर का व्लॉग। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज, टेक केयर।